जैसा कि आपको बताया गया है कि आज का समारोह है उसके दो पार्ट है, एक वार्षिकोत्सव है, एक भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन का सम्मान समारोह है। बालकों पूरे वर्ष में आपने जो भी जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उसके एवज में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जितने भी सम्मानित होने वाले बालक हैं उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और अन्य जो बालक हैं उनसे मैं अपनी ओर से आग्रह करता हूं कि उन बालकों से आप शिक्षा ग्रहण करें कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण उनका आज यहां पर सम्मान किया जा रहा है। इसी के साथ जो ग्राम से बता रहे हैं, एक विद्यार्थी भूतपूर्व विद्यार्थी भी यदि सपोर्ट कर रहा है इस विद्यालय को, तो आदरणीय डालचंद जी को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक भी 100 के बराबर होता है। गुरु गोविंद सिंह का वो एक कविता मेरे को याद आती है, जिसमें पूरी कविता मुझे याद नहीं, उनकी कुछ लाइनें, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि एक एक को 125,000 पर चढ़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो एक एक व्यक्ति भी 125,000 के बराबर हो सकता है, ऐसा अपना इतिहास रहा। तो भंवरलाल जी सेन 100 व्यक्ति से कम नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस विद्यालय की, मेरे को विश्वास है कि इस विद्यालय की, आपके गुरुजनों की, बालकों की यदि कोई भी समस्या है तो उसका बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व सेन साहब कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरे भी जो भी यहाँ पर इस गांव से पधारे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इन बालकों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे पधारे। बालकों, कुछ बातें मैं अपनी ओर से आपको कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का जो नेतृत्व डालचंद जी कर रहे हैं, मैंने इस विद्यालय का अवलोकन भी किया है, और उस अवलोकन के बाद में मेरी व्यस्तताओं को देख करके मैंने ये निर्णय लिया कि इस विद्यालय का अवलोकन अब मैं कभी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको मैं यहाँ आकर के कुछ सुधारूँ, क्योंकि आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इस विद्यालय का नाम जिस तरह से रोशन किया है, अपने राज्य स्तर तक विद्यार्थियों को जो खेल के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में पहुंचाया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय डालचंद जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस गांव का सौभाग्य भी मानता हूं। बालकों, आप लोगों का निश्चित रूप से ये सौभाग्य मानिए कि इतने बढ़िया आपको संस्था प्रधान, इतने बढ़िया प्रिंसिपल मिले जो आपके यहाँ पर कार्यरत हैं, और इनकी जो कार्यशैली है, इनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया कार्यशैली है कि आप है ना, जहाँ पर आपको लचक रखनी चाहिए लचक भी रख लेते हैं, और जहाँ आपको टाइट होना चाहिए, हालांकि मैंने आपका टाइट मूड कभी देखा नहीं है, सुना जरूर है, और मैं खुश होता हूँ क्योंकि अच्छा विद्यालय संचालित करने के लिए बाल को टाइट होना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा गुरु कुमार शीश कुंभे घड़ी घड़ी काटे खोट, तो कुमार जब घड़ा बनाता है तो कितनी थपकियां देता है, अगर कुमार घड़े के प्रति दया रखे, उसके प्रति थोड़ा नरम हो जाए तो घड़ा सही रूप लेता नहीं है। तो आपकी जो कार्यशैली है, जैसा भी आप कर रहे हैं, मैं शत प्रतिशत मैं उसका अनुमोदन करता हूं, और मैं आप जो भी कर रहे हैं उसमें कोई मैं कमी बेशी नहीं निकालता हूं, ये मेरी तरफ से आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं। बालकों, आपके स्वभाव से मैंने ये सीखा है कि आदमी को जीवन में बहुत विनम्र होना चाहिए। जो बच्चा विनम्र है, जो व्यक्ति विनम्र है, वो जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकता है। एक महात्मा जी मृत्युशैया पर थे, और उस मृत्युशैया पर जब कभी अब अंतिम सांस के करीब पहुंच गए हैं तो चारों तरफ उनके शिष्य बैठे थे, तो शिष्यों ने हाथ जोड़ करके पूछा कि गुरुदेव, आप इस समय में
हमें कुछ बात सिखाइए। वो जीवन भर आपने हमें अमूल्य बातें सिखाई है, आप कुछ फरमाइए। तो महात्मा जी ने, क्योंकि उनकी अंतिम घड़ियां चल रही थी, तो उन्होंने मुंह खोला, मुंह खोल करके कहा उनको कि इस मुंह में जीव है। तो शिष्यों ने कहा कि है गुरुदेव। फिर कहा कि इसमें दांत है, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव दांत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा भी ऐसा क्यों है कि भी जीव है दांत नहीं है, जबकि दांत भी थे जीव भी है। दांत उसके जीव के बाद में आए और जीव और पहले चले गए, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये उसकी विनम्रता के कारण है और दांत अपनी कठोरता के कारण चले गए। जो आदमी जिंदगी में कठोर रहता है वो जिंदगी के अंदर ज्यादा टिक नहीं सकता है। जैसे दांत है अपने जन्म के बाद में आते हैं और जीव अंत तक रहती है अपनी लचक के कारण, अपनी विनम्रता के कारण। तो ये आप विनम्रता आप आपके जो संस्था। एक बात और कहूंगा बालकों, जिंदगी के अंदर आदमी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी है, आप लोग, मैं अमूमन आप जिस स्कूल में जाता हूँ वहां उन विद्यार्थियों को एक बात बताता हूँ कि आप विद्यालय के अंदर औसत 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपका जब तक 5 घंटे घर पर पढ़ने का रूटीन नहीं बनेगा आप समय के साथ में टिक नहीं सकते हो। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी के बाद में धीरे 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 आज ऐसी स्थितियां बन गई है कि अपना देश अंदर ही अंदर बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरे 2 टुकड़ों में विभाजित है। और वो 2 टुकड़े कौन से बालकों? वो 2 टुकड़े हैं, एक तो शहरी बालक, शहरी संस्कृति, शहरी विकास, और एक गांव के बच्चे, गांव के अभिभावक और सीधे साधे अपने जैसे लोग। कोई जमाना था तब गांव के 90% उच्च पदों के ऊपर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कितने बड़े नेता हो अपने संसद के अंदर, विधायिकाओं में 90% व्यक्ति गांव के होते थे। आज धीरे 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 गांव के व्यक्ति, गांव के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। तो यदि समय के साथ आपको टिकना है, समय के साथ आपको प्रगति करनी है, तो 5 घंटे आप कड़ी मेहनत कीजिए, 5 घंटे घर पर पढ़िए, ये अच्छी बात है। एक उदाहरण आपको और दूंगा बालकों, कड़ी मेहनत करने का क्या अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के अंदर 5 दिन का सप्ताह था, 5 दिन का सप्ताह था, बहुत 5 दिन काम होता था, 2 दिन छुट्टी होती थी। तो उस समय वहां के अमेरिका के जो जितने भी कर्मचारी थे उन सब ने एक आंदोलन किया कि नहीं, हम 6 दिन काम करेंगे, हमारे को केवल 1 दिन का ही अवकाश है, हमारे को 2 दिन का अवकाश नहीं चाहिए। लेकिन कुछ अपने यहाँ विपरीत स्थितियां होती है कि अपने यहाँ पर यह मांग चलती है कि नहीं, 5 दिन ही काम करेंगे और 2 दिन हमारे को छुट्टी चाहिए। और उस आंदोलन के पीछे सरकारों को थोड़ा समझौता करके आज कार्यालयों के अंदर 5 दिन ही काम हो रहा है, 2 दिन की छुट्टी हो रही है। आप देखिए आज अमेरिका इतना विकसित देश हो गया क्यों हुआ कि वहां लोगों के अंदर वर्क करने की इच्छा शक्ति है। तो आदमी के अंदर वर्क करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हालांकि ये स्थितियां एक अलग हो गई है कि आज ऑफिसों